साफ पानी है, फिल्टर से लाते हैं आप? ये जितने सारे पुलिस वाले हैं वो यहीं से पानी पीते हैं, और कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है अलग से। और ये है खाना, खाना खाना नहीं आता, बस ये दो ड्रम है जिसमें पानी आता है, और वो यहीं से पिए सारा दिन जो ड्यूटी करें। गिलास बड़ा गंदा है ना दुनिया तो, यहाँ अमीर लोग बड़े एवियन का फ्रांस से पानी मंगा के पीते हैं। मैं कहा पुलिस वाले तुम की पिया रहे हो, यहाँ से पानी पीते हैं? और खाना कहाँ से खाते हैं? होटल से खुद खा के आते हैं। वाह वाह वाह, इतनी सारी पुलिस यहाँ पर डिप्लॉय है, तकरीबन 586 के करीब यहाँ पर एहलकार डिप्लॉय है। और ये एक मोबाइल पुलिस वैन है, उसके अंदर दो ड्रम पड़े हैं नीले रंग के, उनके ऊपर ये ग्लास है, ग्लास की हालत बड़ी मखदूश है, ख़राब है। और ये दो ड्रम है, ये भी अल्लाह तवक्कल ही है, यहाँ से लोग पानी पीते हैं और लेके जाते हैं। ओ उधर कोई एहतजाज हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बेचते हो? पानी वाली बोतलें। ठंडी? ठंडी। कितने की? 40 रुपए की। देख गई सारी? हाँ जी, प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। यार तो मुझे जानता है, कौन खरीदता? बस कस्टमर खरीदते हैं। वेरी नाइस, अच्छी बिक जाती है। अस्सलाम वालेकुम चाचू। मैं ठीक हूँ चाचू, आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? क्या हाल है भाजी? शुक्र है। की करा रहे हैं? की रोला पे आ गया, तुसी समझ आ रही तो? ए को मेरा हाल है, गने टीचर टूचर ने मेरा हाल, उधर मुल्तान वालों आए ने। तुसी भी आए सी इमरान खान नु मिले ना? ऐसी असी ते भाई ओदे फैन है जी। टू आर फैन? हां, यू लव? हां बिल्कुल। वेरी गुड चाचू, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आप गांडी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक है आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। ये बताएं यहां पर क्यों आई हैं आप? आज नहीं, मैं हर रोज। हर रोज आती हैं? हर रोज आती हूं। क्या करती हैं आप यहां आके? मैं यहां पे आके अपने खान साहब के लिए दुआ करती हूं, दुरूद पाक पढ़ती। एक और दुआ करेंगी आज आप मेरे लिए? हाँ जी बोलो। ये दुआ करें, ये जितने भी यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं ना, हाँ जी, ना इनको कोई पानी दे रहा ना रोटी दे रहा। ओह माय गॉड। और ये यहाँ बेचारे टॉयलेट भी बड़ी मुश्किल जाते हैं जी, ये मैंने भी महसूस किया। हाँ, बड़ा मुश्किल बेचारे जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ, मैंने महसूस किया है। आप इनके लिए भी दुआ करें। मैं दुआ नहीं करूँगी, इनके लिए आवाज उठाऊंगी। उठाएं आवाज, फिर सीएम सुन रहा है। जो ये इधर मेरे हमारे प्यारे भाई हैं, इनकी ड्यूटी बहुत सख्त है, मैंने खुद फील किया है, और जो चीज है सच वो करनी चाहिए। और इंशाल्लाह मैं कह के इंशाल्लाह इनके खाने का अच्छा बंदोबस्त करवाऊंगी। आमीन, दुआ कर दें। करवाऊंगी मैं इंशाल्लाह ताला। आप खान साहब से मिली हैं? मुझे मिलने या ना मिलने से गर्ज नहीं है, मुझे उनकी सलामती से बेशक गर्ज है। हमें भी? हाँ जी, हम और अपने मुल्क का मैं एक एक बच्चे को। लेकिन ये पुलिस वालों के लिए जरूर दुआ कीजिएगा, बेचारे बड़े परेशान हैं। नहीं, दवा दवा और चीज होती है, दवा और चीज होती है। दवा करेंगी आप? बीमारी में हम कह सकते हैं कि दवा करें। वाह वाह, इसमें तो अमल करना है। इंशाल्लाह आप करेंगे। दुआ की जरूरत? कैसे करेंगे आप, दुआ करें। मेरी पहुँच है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला को सलामत रखे। अल्लाह, आप मेरे बेटे हो, अल्लाह ताला सबको सलामत। थैंक यू आंटी, थैंक यू। हम ये चाहेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस नुमाया हो पब्लिक के अंदर, लोगों को नजर आए। आप देखेंगे कि आपके लिए फंड्स भी हम अवेलेबल कर देंगे, जो भी आपके मसले मसाइल हैं हमारी हुकूमत आपके साथ खड़ी होगी। यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं, सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं, और सिक्योरिटी के जो लोग मौजूद हैं उनके लिए जो बुनियादी इंसानी सहूलतें हैं, ये यहाँ पर इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है। ये पुलिस वाले इंसान हैं, ये सिक्योरिटी वाले इंसान हैं, और इनके कोई राइट्स नहीं है। ये जा रहे हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सामान उठाया हुआ, पीने का पानी नहीं दे रहे यार आप इनको, आप इनको खाना नहीं दे रहे टाइम पे। मतलब क्या ये किस किस्म की बादशाहत है, और ये किस किस्म का कानून है कि आप लोग इनका, जो लोग आपकी सिक्योरिटी पे मामूल है आप उन्हीं का ख्याल नहीं रख पा रहे। बड़े शर्म की बात है ये। और ये देखो अच्छे भाई, बड़ा फर्क होता है सियासी फॉलोअर में और फैन में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पानी शानी मिल रहे हैं पाजी? बाथरूम शाथरूम? चलो ठीक है। पुलिस वाले हैं ना, बेचारों की मजबूरियां हैं, वो टीवी पे आके अपना दुख दर्द नहीं बता सकते। पुलिस वाले सरकारी मुलाजम हैं, वर्दी में हैं, वो आपको नहीं बता सकते कि किस मुश्किल में है। लेकिन मुश्किल मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको दिखा भी दिया है। वहाँ पर एक छोटा सा येलो कलर का बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर वो टॉयलेट यूज़ करते हैं, और ये यहाँ पर लेडी कॉन्स्टेबल भी उसी टॉयलेट में जाती हैं। ये तकरीबन 500-600 के करीब अगर यहाँ पर लोग हैं, सहाफ़ी मिला लें 1000 के करीब अगर यहाँ बंदा है ना, तो वो एक टॉयलेट वो वाला यूज़ कर रहा है, वो एक टॉयलेट है वहाँ पे।
और ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं वहीं जाएंगे। अगर इनको प्यास लगी है, खाना खाना इन्होंने इन्होंने इनको कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो इनको वही टॉयलेट यूज़ करना है, यही ड्रमों से पानी पीना है या सरकारी नलके से पानी पीना है। इन 600 बंदे ने जो यहाँ मौजूद है, 600 से ज़्यादा ही हैं ये पुलिस वाले भी, खाना इनको यहाँ पर नहीं मिल रहा, खाना जो सरकार की तरफ से आता है कुछ नहीं आ रहा, ये यहाँ डिप्लॉय कर दिए गए हैं। यहाँ पर जितनी भी नफरी मौजूद है उसके अलावा यहाँ पर इस तमाम जो खान साहब का घर है उसको रेत की दीवार लगा के फोर्टिफाइड कर दिया गया है, अंदर शीशे जो उनसे हैं वो बुलेट प्रूफ लगा दिए गए हैं। जब इतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली गई है, इतना कुछ इस्तेमाल कर लिया गया है, तो इन लोगों की जानों को क्यों अजाब में डाला हुआ है, ये बड़ा अहम सवाल है। और अंदर बंदा वो बैठा हुआ है जो नया पाकिस्तान का ख्वाब लेके आया है, जो ये कहता है कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, मैं किफ़ायत शुरी करूंगा, मैं पैसे बचाऊंगा। हालांकि उस बंदे की हरकतों से, उस बंदे के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड से कहीं ये साबित नहीं हुआ कि उस बंदे ने खर्चा कम किया हो, उस बंदे ने पैसे कम खर्चे हो, हुकूमत का पैसा बचाया हो, ऐसा कोई नजर नहीं आया। मैं आपको सादा तरीन जिंदगी गुजार के दिखाऊंगा, मैं आपको एक एक पैसा आपका बचा के दिखाऊंगा। अभी भी कुछ अरसा पहले पंजाब हुकूमत के MPAs और खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी सैलरी रिवाइज का बिल आ चुका है और अपनी सैलरियां बढ़ाई जा रहे हैं। ये जो पुलिस वाले हैं ये 14-14 साल से, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो हेड कांस्टेबल के हेड कांस्टेबल ही रह गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ सके। तरक्कियां कौन कर रहे हैं, आगे कौन बढ़े हैं, ये आप देखते जाएं। और ये नए पाकिस्तान के लंबरदार हैं। की हाल है जी? बरसा शुक्र, ये ठीक है। जिंदगी कैसी गुजर रही है? बस बरसा जिंदगी का कुछ ना पूछो, रो पेट के गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। मैं दसो की बेच रहे हो तुम? बरसा भाई रेहड़ियां वगैरह पुजे चने, स्कूल आगे बच्चों के खिलो के बेची देने। अच्छा, ये किन्ने दा होएगा अपना समान सारा? बरसा भाई है जी 500 रुपया समान है जी, 650-600 रुपया लग जाना जी। ओ बोतल किन्ने दी? बोतल जी 300 रुपए दी। टोटल सानू किन्ने पैसे देने पैणगे? पता तां 800 रुपया देना पेगा। 800 रुपये देना पेगा? बस 1000 रुपये की सारी साढ़े समान सी। अच्छा फायदा हो गया सानू, अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना होया करो, अल्लाह खैर करेगा। इतनी महंगाई है, कितने जाइए, हमने थोड़ा समान ले लिया, अब जाके पुलिस वालों को दे देते हैं कि भाई साढ़े वालों तुम चने चुने खा लो, तुहाडी मेहरबानी है, असीं यही कर सकते आ जाओ। मुंडे आनते मुंडिया एक दे जाना जेडे भी अपने पुलिस वाले भाई आन, ठीक है चने ही खा लेंगे। यह भी रख लो पानी दियां बोतलां, काम आ जानगियां। मुंडे कोई आन तो दे देना फिर, ठीक है भेज भी देना किसी नूं कि सारे नूं पढ़ा देन। आ जाओ, एक छोटा सा काम है और ये कोई भी कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। वो भी खुश हो गया, इन्हों भी बेचारे चने ही खाने लग जाएंगे। ये तो हालात है हमारे, और ये छोटी सी चीज़ है, ये छोटी सी मैंने इसलिए करके दिखाई आपको कि शायद यहाँ खड़े हुए और जो बहुत बड़े जो मुजाहिद एक मुल्क बनते हैं उनको थोड़ी सी शर्म आ जाए, जो थोड़ा सा ये सोच लें कि बाहर लोग यार भूखे प्यासे हैं, अंदर तो मेरे ख्याल से काफ़ी खाबे चल रहे होंगे, बेस्ट खाना चल रहा होगा, प्रोटीन डाइट चल रही होगी, लेकिन बाहर ज़िंदगी जो सी है बड़ी मखदूश हालत में है, लोग जो हैं बड़े परेशान हैं। मैं आपको सादा तरीन जिंदगी गुजार के दिखाऊंगा, मैं आपको एक एक पैसा आपका बचा के दिखाऊंगा। तो खुदा का वास्ता आपको अपनी आंखें खोलें और फैनिज्म से बाहर निकलें। इस मुल्क को फैंस की जरूरत नहीं है, इस मुल्क को कौम की जरूरत है, इस मुल्क को एक मजबूत कौम की जरूरत है, जो इस तरह फैन बन के चीजें बेच के बच्चों को आगे लगा के किसी के दरवाजे पर जलील ना होती फिरे।